तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, इंडोनेशिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और भाई बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हो, एक्सप्लोर करने जाते हो, वैकेशन पे जाते हो, तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया टू इंडोनेशिया हम कैसे ट्रैवल करेंगे, बाली में क्या क्या हमको देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि इंडोनेशिया में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, कितना खर्चा आपको आने वाला है और कहाँ कहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सिम कार्ड कैसे खरीदनी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये एक डिटेल ट्रैवल गाइड होने वाला है। भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिस कर सकते हो। तो अगर अभी तक चैनल पे नहीं हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते टॉपिक पे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि इंडोनेशिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वैसे साल में कभी भी आप इंडोनेशिया को विजिट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मंथ जो रहता है वो है बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में। तो अगर आप अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जाते हो ना, तो आपको काफी प्लेजेंट वेदर वहां पे मिलने वाला है। मैंने जब ट्रैवल किया था तो मैं जून में गया था, मिड जून में मैं गया था और काफी प्लेजेंट वेदर था। आप उस बीच में भी बिल्कुल जा सकते हो। एक बात का ख्याल रखना कि अप्रैल से अक्टूबर तक ये उनका पीक सीजन रहता है, तो काफी चीजें आपको थोड़ी सी महंगी मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन हाँ, वही कि आपको थोड़ा रश भी मिलेगा और चीजें कुछ रहती है वो थोड़ी सी महंगी आपको मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं फ्लाइट टिकट्स पे। जैसे आप सभी को पता है कि जब भी हम इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हैं, तो वो कम से कम 2 से 3 महीने पहले अगर आप बुक करते हो ना, तो आपको थोड़ी टिकट सस्ती मिलेगी। मेरे केस में भी मैंने 2 से 3 महीने पहले बुक की थी, लेकिन तब पीक सीजन था तो मुझे थोड़ी सी महंगी मिली थी, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो वो आपको थोड़ी सस्ती मिल सकती है। मैंने मेरी फ्लाइट बुक की थी मेक माई ट्रिप से, और मेरी फ्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस। एक चीज मेरे केस में काफी जबरदस्त थी कि एक तो मुझे सिंगापुर एयरलाइंस मिली दोनों तरफ से, और जैसे आप सभी को पता है कि सिंगापुर एयरलाइन वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है, इन दोनों तरफ से मुझे विंडो सीट भी मिली, मील भी मेरा इंक्लूड था मेरी फ्लाइट में। तो यार जबरदस्त एक्सपीरियंस था मेरा फ्लाइट का, और फ्लाइट के लिए मैंने पे किए थे ऑलमोस्ट 29,000। तो 30,000 आप पकड़ के चलिए, 30-35,000 आप फ्लाइट का पकड़ के चलिए राउंड ट्रिप के लिए। वो कम ज्यादा हो सकता है कि आप किस मंथ में जा रहे हो, आप कितने पहले बुक कर रहे हो, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट है वीजा। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए इंडोनेशिया प्रोवाइड करता है वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधी फ्लाइट की टिकट बुक करनी है। या तो आप बाली लैंड कर सकते हो, या फिर आप जकार्ता भी लैंड कर सकते हो। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके आइटनरी के हिसाब से, जिस भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप लैंड करोगे, वहाँ पे आपको वीजा ऑन अराइवल करना पड़ेगा। वीजा ऑन अराइवल की फी आई थिंक $30-$35 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। ऑलमोस्ट 2500-3000 के बीच में आपको वीजा ऑन अराइवल की फी लगेगी, जो कि आपको डॉलर में ही पे करना है, वहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से डॉलर कैरी करें। और एक प्रो टिप मैं इसमें आपको देना चाहूंगा कि अगर आप डॉलर कैरी करते हो, तो $100 के ना आप थोड़े से लूज लेके जाइए, लाइक $10 के 10 नोट या फिर $20 के 5 नोट, ऐसा आप थोड़े से लूज करेंसी अगर लेके जाओगे ना। मेरे केस में मैं गया था जकार्ता, और वहां पे जब मैंने वीजा ऑन अराइवल लिया तो मेरे पास $100 की नोट थी, तो मैंने $100 उनको दिए, और उन्होंने चेंज मुझे जो दिए ना, वो मुझे उन्होंने दिए इंडोनेशियन करेंसी में, मतलब उन्होंने इंडोनेशियन रुपया में मुझे पूरे चेंज दिए, और वो जो रेट था ना वो काफी खराब था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो, तो थोड़ी सी लूज करेंसी भी आपके साथ कैरी करें, वो जो डॉलर में रहनी चाहिए। तो बस इजी प्रोसेस रहता है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे पूछते नहीं है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है तो आपको कोई दिक्कत रहने नहीं वाली, आप बस आपके डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करें प्रॉपरली। वीजा के बाद आते हैं यार करेंसी पे। हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी नए देश में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इंडिया से USD कैरी कीजिए, और USD के साथ साथ आप 2 से 3 कार्ड्स भी आपके साथ कैरी कीजिए। तो एक कॉम्बिनेशन रहेगा कि आपके पास कैश भी रहेगा और कुछ कार्ड्स भी रहेंगे। तो अगर ट्रैवलिंग के दौरान यार इनकेस कैश अगर खत्म हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कार्ड का, तो आप इजीली ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर ATM से विड्रॉ नहीं हो रहे तो आपके पास कैश भी रहती है। तो यार दोनों चीज़ें एक बैलेंस करके चले कि थोड़ी सी कैश आपके पास रखे, 2-3 कार्ड्स आपके पास रखे, तो एक कॉम्बिनेशन रहेगा। मेरे केस में मैंने USD कैरी की थी और साथ में मेरे पास 2-3 कार्ड्स भी थे। हालांकि मैंने कार्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हो सके आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप कैश और कार्ड दोनों कैरी कीजिए। अगर आप कोई फॉरेक्स कार्ड कैरी कर रहे हो, जैसे गोनियो है, बुक माई फॉरेक्स है, या कोई भी अगर आप फॉरेक्स कार्ड यूज कर रहे हो, तो इजीली यहाँ पे बहुत से ATMs आपको मिल जाएंगे। किसी भी ATM से आप इजीली यहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो यार करेंसी एक्सचेंज होने के बाद आपको लगने वाला है सिम। तो सिम कार्ड आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है एयरपोर्ट पे। मेरे केस में मैंने प्री बुक किया था क्लुक से,
मैंने इंडिया से ही बुक कर दिया था, और जैसे मैं जकार्ता एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पे मैं उनके काउंटर गया और काउंटर से मैंने मेरी सिम कलेक्ट की। बस 10 मिनट में उन्होंने मुझे मेरा सिम कार्ड एक्टिवेट करके दिया और काफी इजी प्रोसेस था। मेरे केस में तो मैंने क्लुक से बुक किया था, लेकिन अगर आप डायरेक्टली जकार्ता लैंड करते हो या फिर बाली में लैंड करते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत से काउंटर्स मिल जाएंगे। 500 से 800 रुपए के बीच में आपको इजीली वहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ पे सिम कार्ड ले सकते हो। आपको कितने दिन की वैलिडिटी चाहिए, आपको कितना डेटा चाहिए, उसके ऊपर सिम कार्ड की प्राइस डिपेंड करेगी। तो आप आपके हिसाब से वहाँ पे सिम कार्ड भी परचेस कर सकते हो। सिम कार्ड के बाद आते हैं भाई लोकल ट्रांसपोर्ट पे। जैसे आपका सिम कार्ड एक्टिवेट होता है ना, आप दो ऐप वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, एक तो है ग्रैब और दूसरा है गोजैक। ग्रैब और गोजैक दोनों में आपको ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता मिलेगा। यहाँ पे बाइक टैक्सी भी चलती है, आपको अपनी बड़ी वाली टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है और बाइक टैक्सी की कॉस्ट भी काफी कम रहती है, तो यहाँ पे आप काफी सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो। और ग्रैब और गोजैक का एक दूसरा एडवांटेज ये भी है कि सेम ऐप से आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये दो ऐप आपके मोबाइल में बिल्कुल रहने चाहिए अगर आप इंडोनेशिया ट्रैवल कर रहे हो तो। भाई मेरे केस में मैं जब इंडोनेशिया था ना, तो मैंने सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिए। मैंने इंडोनेशिया में डोमेस्टिक फ्लाइट यूज़ की, लोकल बस मैंने यूज़ की, मैंने ट्रेन का सफ़र किया, मैंने बाइक का सफ़र किया, मैंने साइकिल रेंट की, मैंने फेरी यूज़ की आइलैंड जाने के लिए, देन इसके बाद मैंने स्पीड बोट भी यूज़ की। तो भाई मैंने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस अवेलेबल है ना इंडोनेशिया में, मैंने सारे यूज़ किए वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है कि बाली में आपको बस की सर्विस नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको लोकल टैक्सीज या फिर आप वहाँ पे टू व्हीलर रेंट कर सकते हो, स्कूटी वगैरह आप वहाँ पे इजीली रेंट कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 से 700 रुपए के बीच आपको अच्छी स्कूटी मिल जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा स्कैम से भी आपको बचना है। अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट करते हो तो एक वीडियो निकाल ले पूरा, ताकि उनको आप दिखा सको कि अगर कुछ खराबी होती है या फिर कहीं पे डेंट लग जाता है तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज ना करे। हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं पे हो जाता है, तो एक सिक्योरिटी के लिए अगर आप एक छोटा सा वीडियो निकाल लेते हो तो उनको भी पता रहता है कि हाँ मतलब इन्होंने वीडियो लिया है, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि इस कंडीशन में आपने बाइक उठाई थी, तो वो भी आपको मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। और एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि जितना भी आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे ना, मतलब गवर्नमेंट बसेस अगर यूज़ कर रहे हो या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, वो कंपैरेटिवली आपको सस्ता पड़ेगा टैक्सी से। क्योंकि हर जगह पे किसी भी कंट्री में चले जाओ भाई, हर जगह भी आपको टैक्सी महंगी मिलती है। लोकल ट्रांसपोर्ट आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप बाय वॉक भी यार जा सकते हो। यार मैंने बहुत सी जगह बाय वॉक भी एक्सप्लोर की है, वॉकिंग का भी एक अलग मजा रहता है। तो मेरे केस में मैं काफी कंफर्टेबल था। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो, अगर आप नहीं हो आप बाइक टैक्सी बाइसिकल, तो जैसे भी आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यार अकोमोडेशन पे। बाली में, जकार्ता में, कहीं पे भी अगर आप रुक रहे हो ना, तो अकोमोडेशन के आपको बहुत से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको कम बजट में, अगर आपका बजट कम है तो आपको हॉस्टल मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। उसके बाद अगर आपको होटल चाहिए तो आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। एयरबीएनबी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देन उसके बाद आप प्राइवेट विला भी यहाँ पे रेंट कर सकते हो। जी हाँ भाई, प्राइवेट विलास भी आप यहाँ पे ना अच्छे रेट में आप यहाँ पे रेंट कर सकते हो। अगर आपको हॉस्टल बुक करना है तो 500 से 700 रुपए के बीच में आपको अच्छा डिसेंट सा हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है। इससे कम में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही आपको फैसिलिटीज भी देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या वो इंक्लूड करके दे रहे हैं आपको। ब्रेकफास्ट इंक्लूड है नहीं है, बाकी जो भी कुछ चीज़ें, इंटरनेट है, बहुत सी चीज़ें रहती है, तो वो भी आप आपके हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना। तो 500 से 700 में आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा, 2000 से 2500 के बीच में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक अच्छा होटल भी ले सकते हो, तो एयरबीएनबी भी वहाँ पे अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर आपको प्राइवेट विला लेना है ना, तो प्राइवेट विला यार आपको 3000 से 4000 के बीच में अच्छा प्राइवेट विला विद स्विमिंग पूल, जी भाई विद स्विमिंग पूल आपको 3000 से 4000 के रेंज में अच्छा एक प्राइवेट विला भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यार अकोमोडेशन ज़्यादा महंगा नहीं है इंडोनेशिया में, यार आप इजीली आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे रेंट कर सकते हो। अकोमोडेशन के बाद आते हैं यार फूड पे। फूड यार सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार यहाँ पे अभी वेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में आप कहीं पे भी जाइए, जकार्ता में मैं 3 दिन था, हालांकि मैंने इंडियन फूड वहाँ पे खाया नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत से होटल्स, बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इंडोनेशियन फूड भी यार काफी डिलीशियस रहता है, वो भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बाली में आपको बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे केस में मैंने ज्यादा से ज्यादा इंडोनेशियन फूड ट्राई किया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडोनेशिया में हो, बाली में हो, तो नासी गोरेंग आप बिल्कुल ट्राई करें, एक फेमस डिश है इंडोनेशिया की। तो नासी गोरेंग बहुत ही डिलीशियस है, फ्राइड राइस रहता है, चिकन रहता है, देन उसके बाद उसके साथ में आपको ऑमलेट या फिर एग आपको मिलेगा वहाँ पे, बहुत डिलीशियस रहता है भाई, एक बार बिल्कुल ट्राई करना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो ना तो नासी गोरेंग बिल्कुल ट्राई करना।
उसके बाद आपको एक साते नाम से एक क्यूजिन है जो हमारे यहाँ पे कबाब रहता है ना, बस उस टाइप में बारबेक्यू टाइप चिकन रहता है, तो वो भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। यार फूड में आपको काफी वैरायटी मिल जाएगी। एक चीज है, मतलब यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, काफी ज्यादा वैरायटी मिलती है। वेजिटेरियन में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको इजीली वेजिटेरियन फूड भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो भाई फूड के बाद आते हैं एक्टिविटीज पे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंडोनेशिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ऑल वेदर कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर सीजन में आप आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सी एक्टिविटीज करने को मिलती है। मतलब बाली में अगर आप रहते हो तो बाली में आपको वाटर एक्टिविटीज बहुत सी मिल जाएंगी। आप उबुद वहाँ पे एक छोटा सा एंशियंट टाउन है, वो तो बिल्कुल विजिट करना, बहुत ही जबरदस्त है। उबुद में आप बहुत सी चीजें वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एक वहाँ पे ऑथेंटिक आपको इंडोनेशियन कल्चर देखने को मिलेगा, एक लोकल वाइब आपको वहाँ पे आएगी। वहाँ पे बहुत से आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, हिंदू टेम्पल्स आपको वहाँ पे बहुत से देखने को मिलेंगे, देन उसके बाद माउंटेन्स है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद राइस टेरेसेस वहाँ पे बहुत है। मैं जब उबुद में था तो मैं गया था सेकिंग राइस टेरेस, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है यार। मतलब अगर आप उबुद में हो तो मैं खास आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेकिंग राइस टेरेस बिल्कुल जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर मेरी सीरीज आपने नहीं देखी ना भाई तो एक एक वीडियो बिल्कुल देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाई हैं। सेकिंग राइस टेरेस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पे बिल्कुल विजिट करना। और वही अगर आप बाली में हो तो बाली में आपको मतलब पूरी एक बीच वाइब, ओशन वाइब आपको आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पे आप चिल कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, एक बीच वाइब है, सुंदर सुंदर बीचेस है, काफ़ी अच्छे अच्छे बीचेस है। बाली की अगर बात करते हैं तो बाली में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तन्हालाट टेम्पल है, उसके बाद उलुवाटू टेम्पल है, आंडवा बीच है, वन ऑफ द बेस्ट बीच इन बाली भाई की, बहुत ही ज़बरदस्त बीच है यार, बहुत ही सुंदर बीच है। तो पांडवा बीच आप जा सकते हो। तो ये दो तीन मेन मेन अट्रैक्शन है वो आप कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, जैसे मानो अगर आप 8 से 10 दिन के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आप बाली से जा सकते हो सीधा नुसा पेनिडा। नुसा पेनिडा भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो कहता हूँ कि अगर यार आप बाली जा रहे हो ना, तो बाली के साथ साथ नुसा पेनिडा बिल्कुल कवर करना, मस्ट विजिट प्लेस है। डायमंड बीच वहाँ पे आपको मिलेगा, केलिंकिंग बीच आपको मिलेगा, काफी मोस्ट फेमस वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको मिलेंगे। दो दिन वहाँ पे आप बिल्कुल स्टे करें नुसा पेनिडा में। नुसा पेनिडा में आपको हॉस्टल्स होटल्स भी काफी सस्ते मिल जाएंगे भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाली के सनूर पोर्ट से आपको फेरी लेनी पड़ती है। फेरी से मैं आपको कहूंगा कि फेरी मत लीजिए, फेरी ज़रा टाइम लगाती है। फेरी स्किप करके आप स्पीड बोट लीजिए। स्पीड बोट से इजीली आप 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे नुसा पेनिडा। जैसे आप हार्बर पे उतरते हो ना, वैसे यार बाइक बुक कर लो, वहीं पे आपको सस्ती पड़ेगी। और पूरा आइलैंड आप बिल्कुल मतलब 2 दिनों में पूरा आइलैंड आप एक्सप्लोर कर लोगे। छोटा सा आइलैंड है लेकिन आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो नुसा पेनिडा आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा समय है, तो वहाँ से आप गिलिटी भी जा सकते हो। गिलिटी मतलब गिली त्रावांगन, तो एक पार्टी आइलैंड है। अगर आप पार्टी करना पसंद करते हो, नाइट लाइफ आपको पसंद है, तो आप गिलिटी भी जा सकते हो। गिलिटी यार बहुत ही ज़बरदस्त आइलैंड है, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको बाइक नहीं मिलने वाली, कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे बस आपको घोड़ा गाड़ी मिलने वाली है और बाइसिकल मिलेगी। तो मैंने भाई बाइसिकल वहाँ पे रेंट की थी, काफ़ी मज़ा आया था। और मैंने पूरे बाइसिकल पे पूरा एक राउंड लगा था पूरे आइलैंड को। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैंने आई बटन पे दे दी है, वो भी अगर हो सके तो चेकआउट करना। तो गिली त्रावांगन भी बहुत ही ज़बरदस्त आइलैंड है। बट हाँ, मैंने वही कहा कि अगर आपको पार्टी करना पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है, तो आप गिली त्रावांगन भी कंसिडर कर सकते हो। तो भाई इन सारी चीज़ों के बाद आते हैं मोटा मोटी खर्चा कितना आने वाला है, हमको कॉस्ट कितने लगने वाली है। तो भाई जैसे मैंने कहा कि फ्लाइट की कॉस्ट वैरी करेगी कि आप कहाँ से फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो। आप दिल्ली से कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो, कोलकाता से कर रहे हो, तो वो प्राइस आपकी वैरी करेगी। बट फिर भी 28,000 to 35,000 आप पकड़ के चलिए राउंड ट्रिप के। सीजन पे भी डिपेंड करता है यार कि आप किस सीजन में जा रहे हो। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हो तो बेशक आपको फ्लाइट सस्ती मिलेगी, अगर आप पिक सीजन में जा रहे हो तो फ्लाइट आपको महंगी मिलेगी। वीज़ा की बात करते हो तो वही यार 2,500 to 3,000 रुपए के बीच में आपको वीज़ा की कॉस्ट आने वाली है। तो वही 2,500 to 3,000 रुपए के बीच आप पकड़ के चलिए वीज़ा फी आपको वहाँ पे लगने वाली है। सिम कार्ड की बात करते हो तो सिम कार्ड वही अगर आप एयरपोर्ट से खरीदते हो तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, अगर वही आप सिटी सेंटर में जाके परचेस करते हो तो वो आपको सस्ती मिलेगी। उसकी भी कॉस्ट वैरी करती है कि आप डेटा कितना ले रहे हो, कितने दिन के लिए ले रहे हो, आपका मतलब वैलिडिटी कितने दिनों की है, तो उस पर भी वो डिपेंड है। बट फिर भी 800 to 1,500 रुपए के बीच आपको वहाँ पे सिम कार्ड इजीली अवेलेबल हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि स्कूटी आपको 500 to 700 रुपए में पर डे के हिसाब से मिलती है, वही अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो 30 से 40 रुपए में, मतलब इंडियन रुपीज़ में आप
बस से ट्रैवल कर सकते हो विद इन अ सिटी। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रीक्वेंट बस का ट्रैवल करते हो और कितना दूर तक ट्रैवल करते हो। स्पीड बोट की अगर हम बात करते हैं तो सनूर से जब आप नूसा पेनेडा जाते हो तो 1,000 से 2,000 रुपए के बीच आपको स्पीड बोट पड़ती है। वहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो, तो वो भी प्रॉपर एक बार चेक कर लेना कि आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हो। तो 1,000-2,000 के बीच में आपको इजीली वहाँ पे स्पीड बोट आपको मिल जाती है। दूसरा खर्चा आपको लगने वाला है एंट्री फी का। इंडोनेशिया में हर जगह पे आपको, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको एंट्री कॉस्ट लगती है, लेकिन ज्यादा महंगा नहीं रहता है, 50 से 100 रुपए, कहीं कहीं पे 250 रुपए भी रहता है, लेकिन काफी कम जगह पे है। लेकिन ज्यादातर जगह पे आपको 50 से 100 रुपए में आपको एंट्री टिकट वहाँ पे लगती है। देन इट्स ऑल अपॉन योर आइटनरी, आप कौन से प्लेसेस विजिट कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एंट्री फी लगने वाली है। फूड का भी यार टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड आप खाते हो। अगर आप लोकल फूड ट्राई करते हो तो वो सस्ता पड़ता है, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाओगे तो वहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर डे की अगर बात करते हो तो 800 से 1,200 रुपए मेरे ख्याल से इनफ है। क्लास में आता है होटल या फिर हॉस्टल, अगर आप बैकपैकर हो या फिर सोलो ट्रैवलर हो, और अगर आप हॉस्टल प्रेफर कर रहे हो तो हॉस्टल में जैसे मैंने कहा कि 500-700 रुपए में आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाता है। मेरे केस में मेरे हॉस्टल का बजट 500-600 रुपीज था, तो आपके केस में वो कम ज़्यादा हो सकता है, आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हॉस्टल बुक कर सकते हो। होटल के केस में भी सेम है, अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो आप 2,000 से लेकर 3,000 तक आप डिसेंट होटल आप वहाँ पे रेंट कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ हो, अगर आप विला वगैरह बुक करते हो या फिर विला वगैरह रेंट करते हो, तो वही 3,000 से 4,000 रुपये तक आपको अच्छा सा विला वहाँ पे आप बिल्कुल रेंट कर सकते हो। तो अभी आप कितने दिन के लिए जा रहे हो आपके हिसाब से वो आपकी आइटनरी प्लान कर सकते हो। मोटा मोटे अगर आप पकड़ के चलते हो तो एक बजट ट्रैवलर के हिसाब से अगर देखते हैं तो 55 से 60,000 रुपए 7 से 10 दिन के लिए आपको खर्चा आने वाला है पूरे इंडोनेशिया ट्रिप का, जिसमें आप बाली नूसा पेनेडा कवर कर सकते हो। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किस तरह से ट्रैवल करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप 55 से 60,000 आप कंसिडर करके चलिए अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है। कोई अगर आप थोड़ा कंफर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो 75 से 80,000 रुपये आपको खर्चा आने वाला है 7 से 10 दिन के लिए। लेकिन वही है, वो अगेन आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हो, किस तरह के होटल्स आप ले रहे हो, किस तरह के अकोमोडेशन आप चूज़ कर रहे हो, किस तरह का फूड आप कंसिडर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इट्स ऑल अप टू यू, बट एक टेंटेटिव मैंने आपको बजट बताया। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो 55 से 60,000 आप कंसिडर करके चलिए, और अगर आप थोड़ा कंफर्ट में ट्रैवल कर रहे हो 75 to 80,000 आप कंसिडर कर सकते हो। तो यार ये पूरी डिटेल वीडियो थी इंडोनेशिया बाली ट्रैवल के रिगार्डिंग। अगर कुछ भी बीच में मिस हुआ हो यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर से यार एक बार कहना चाहूंगा कि इंडोनेशिया यार बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सुंदर देश है, बिल्कुल चाहिए, बहुत ही इजी है इंडियंस के लिए, ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है डॉक्यूमेंट्स की, ज़्यादा महंगी कंट्री नहीं है, तो आप बिल्कुल काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप बैकपैकर हो, फैमिली के साथ जाना चाहते हो या फिर आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, ईजिली घूम सकते हो, तो बिल्कुल जाइए। अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी है तो पूरी सीरीज़ देखिए, आई बटन पे लिंक है प्लेलिस्ट की। यार वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नेक्स्ट ट्रिप हमारी कहाँ रहने वाली है, क्या जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करने वाला हूँ, तो हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, है ना। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, घूमते रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।